नमस्कार, मैं हूं पायल और आप देख रहे हैं सिटी हलचल। खबर जरा हटकर हम कराते हैं आपको दिन भर की तमाम ताजा खबरों से रूबरू। और आइए अपना नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर जो दिन भर ही सुर्खियों में। शहर कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक महिपाल सिंह की बीमारी के चलते जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान हुई दुखद मौत। सूचना पर शहर कोतवाली पहुंचे परिजन। पुलिस ने मृतक उप निरीक्षक महिपाल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं नव नियुक्त सदर कोतवाल अनिल कपरवान और समस्त स्टाफ ने 2 मिनट का मौन रख कर दी मृतक महिपाल को श्रद्धांजलि। मेरठ रोड स्थित जिला उद्योग केंद्र में उद्योग बंधुओं की बैठक का किया गया आयोजन। जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी ने की अध्यक्षता। उद्योग संबंधी समस्याओं पर किया गया विचार विमर्श। संबंधित अधिकारी को समस्या के समाधान के जिलाधिकारी ने दिए आदेश। जनपद शामली के गांव शामली स्थित देशभक्त इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य और प्रबंधक पर लगे छेड़छाड़ और जाति सूचक शब्द बोलने के आरोप में दर्ज मुकदमे में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर कॉलेज प्रबंधक ने खोला मोर्चा। कॉलेज प्रबंधन ने छात्राओं के साथ नगर में पैदल मार्च निकालकर एसपी शामली से निष्पक्ष जांच की उठाई मांग। जनपद शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र के माजरा रोड से पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शातिर ठग को किया गिरफ्तार। पुलिस कर्मी बन लोगों से करता था ठगी। पुलिस ने शातिर ठग के कब्जे से 10,000 रुपए की नकदी भी की बरामद। वहीं पुलिस ने ठग को मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। मीरापुर थाना क्षेत्र के मोंटी तिराहे पर रोडवेज बस में चढ़ते समय वृद्ध पैर फिसलने के कारण गिरा। वृद्ध को रोडवेज बस ने कुचला। वृद्ध हुआ गंभीर रूप से घायल। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीएससी में कराया भर्ती, जहां चिकित्सकों ने गंभीर अवस्था के चलते जिला चिकित्सालय किया रेफर। वृद्ध की उपचार के दौरान हुई मौत। चरसावर ब्लॉक के गांव हैबतपुर के ग्राम प्रधान द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों की शिकायत पर जिलाधिकारी द्वारा गठित टीम ने गांव में पहुंचकर जांच की शुरू। विकास कार्यों में मिली खामियों पर ग्राम प्रधान फुरकान को लगाई फटकार। वहीं वर्तमान में जारी विकास कार्यों के जमीन पर न मिलने पर भी जांच टीम दिखी सख्त। शिकायतकर्ता ने कड़ी कार्रवाई की उठाई मांग। उत्तर प्रदेश के जिले रामपुर में विद्युत विभाग की लापरवाही आई सामने। कोचिंग सेंटर को 80 लाख रुपए का विद्युत बिल भेजा। कोचिंग सेंटर संचालक विभाग के चक्कर काट काट कर हो चुका है परेशान। कोई भी अनहोनी होने पर विद्युत विभाग की जिम्मेदारी होना बताया संचालक ने। चरथावल थाना क्षेत्र के रोहाना तिराहे पर कस्बा इंचार्ज विनोद तेवतिया ने पुलिस टीम के साथ मिलकर चलाया वाहन चेकिंग अभियान। वाहन चालकों में मचा रहा हड़कंप। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक युवक को अवैध चाकू के साथ किया गिरफ्तार। वहीं पुलिस ने युवक से की पूछताछ शुरू। नगर पालिका में शराब के नशे में दुत वृद्ध ने किया हंगामा। ईओ विकास सैन के साथ भी शराबी वृद्ध ने की बहस। काफी समझाने के बाद पालिका कर्मचारियों ने वृद्ध को भेजा। लोगों का लगा रहा जमावड़ा। चरथावल थाना क्षेत्र के गांव ज्ञाना माजरा से चोरी हुई भगवान बुद्ध की प्रतिमा में लोगों को शांत कराने के लिए ग्राम प्रधान कंवर पाल ने नई प्रतिमा कराई स्थापित। वहीं लोहे का गेट भी लगवाया। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान की जमकर की प्रशंसा। ग्राम प्रधान ने शांति व्यवस्था बनाने में किया सराहनीय कार्य। कलेक्ट्रेट स्थित लोकवाणी सभा कक्ष में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक का जिलाधिकारी गौरी शंकर प्रियदर्शी की अध्यक्षता में हुआ आयोजन। बैठक में सभी विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। जिलाधिकारी ने सभी को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। 2013 में हुई महापंचायत के दौरान भड़काऊ भाषण मामले में पूर्व मंत्री संजीव बालियान, बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक, वीरेंद्र प्रमुख, सुरेश राणा वारंट रिकॉल कराने पहुंचे कोर्ट। एसीजीएम द्वितीय मधु गुप्ता की कोर्ट में है मामला। ठेका प्रथा के अंतर्गत कार्य कर रहे सफाई कर्मियों का 5 माह का वेतन दिलाए जाने की मांग को लेकर धरनारत सफाई कर्मचारी संघ ने नगर पालिका में की तालाबंदी। वहीं मांगे न पूरी होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत यातायात पुलिस द्वारा कचहरी गेट स्थित नेत्र चिकित्सालय में 16 से 22 जनवरी तक चलाया जा रहा है निःशुल्क नेत्र जाँच शिविर। वाहन चालकों की आँखों की हो रही है निःशुल्क जाँच। एसपी ट्रैफिक बीबी चौरसिया ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। भोपाल रोड स्थित एसडी डिग्री कॉलेज में एक दिवसीय एनएसएस शिविर में स्वयंसेवक और सेविकाओं ने किया वृक्षारोपण। पर्यावरण को शुद्ध रखने का दिया संदेश। जनपद बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र में दहेज पीड़िता ने खाकी से परेशान होकर सोशल मीडिया का लिया सहारा। सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस की कार्य प्रणाली पर उठाए सवाल। 3 महीने पहले दर्ज मुकदमे में कार्रवाई की उठाई मांग। जनपद बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र के किरतपुर में प्रेमी संग फरार युवती की बरामदगी की मांग को लेकर परिजनों ने कोतवाली में किया हंगामा। वहीं एक दरोगा पर लगाया कार्रवाई के नाम पर 50,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप।